और में से जो कोई भी जो ऑनलाइन है, जो जहां पे, अगर आपका कोई रिश्तेदार है हॉस्पिटल में, चक्कर में, विश्वास करो ताकि ग्रेस उसका आत्मा शूर आए। क्या नाम है इनका? सपना। हाँ, अब बोलो मुझे। तो प्रेरित जी, जो सिस्टर बता रही कि जो एक हफ्ते से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस थी, जिसके कारण इनको भूख नहीं लगती थी, जो खाना नहीं खा रहे थे, और जब जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि अपनी बॉडी का चेकअप कराए, और जैसे इन्होंने अपनी बॉडी का चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो इनकी रिपोर्ट में आया कि इनके लिवर में इन्फेक्शन के कारण पस आई है, और जैसे जिसके कारण जो खाना नहीं खा रहे थे और बहुत परेशान थे, और जैसे ही जो सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ने इनको कहा कि जो पास से वो इनकी इंजेक्शन और सिरिंज के साथ निकाली, पर वो पूरी तरह से नहीं थे निकली, जिसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही इनके जो चाची जी है वो इस मिनिस्ट्री में आते हैं और विश्वास करते, और जब वो सिस्टर 3 मार्च को इस मिनिस्ट्री में आए, और जैसे ही उन्होंने बताया कि प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे प्रभु के दास के मुख से प्रोफेसी वर्ड आया, हमें से जो कोई भी जो ऑनलाइन है, जो जहां पे, अगर आपका कोई रिश्तेदार है हॉस्पिटल में, चक्कर में, विश्वास करो ताकि ग्रेस उसका आत्मा शूर आए और वो फ्री हो रहे हैं। मैंने कहा वो फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो रहे हैं। कि जो लोग जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में हैं, वो आज अच्छे होने वाले, और जैसे इन्होंने इनके लिए रिसीव किया, और ये बता रहे कि जब प्रभु के दास ने ऐसे मुख से वर्ड आया कि जो लोग जिन्होंने विश्वास किया, अगर वो जहां पर वो आगे आए, और जैसे जिस इनके चाची जो आगे आए, इनकी पिक लेकर आए थे अपने साथ, जब वो आगे आए तो उनके लिए ले हैंड हुई। सबसे पहले हम उस ले हैंड वीडियो क्लिप को देखेंगे। अम्मे से हॉस्पिटल में कोई आपका है कोई? हाँ, हॉस्पिटल में आपका कोई जन है ऐसे कोई? मुझे बताओ अगर है तो। हाँ, दो। क्या लगती है आपकी? मेरे हस्बैंड दी पति जी, क्या हुआ से? इधर लीवर च पास भरी पापा जी। दिखाओ उसे अच्छे से, फोटो दिखाओ पहले कैमरे में, देखो क्या हो? आप इस साइड आ जाओ, कोई बात नहीं है, इस साइड आ जाओ आप, दिखाओ उसको कैमरे में, दिखाओ अच्छे से क्या होगा। इनके लीवर में पस आ गई है। हाँ जी। डॉक्टर ने क्या कहा? आज खड़े हॉस्पिटल निकालने लिए। विश्वास करते हो कि परमेश्वर महान है, उसे अच्छा करेगा? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। अगर खुदावंद नहीं, देखो आज अपनी मुझसे बात की, मैंने मुझसे कुछ नहीं, कहा जा टीम से किसी ने, किसी को नहीं बताया। सबसे पहले उस पवित्र आत्मा का स्वागत करो जो हमारे बीच है। हाँ? हाँ? मैंने कहा उस आत्मा का स्वागत करो जो हमारे बीच है, जो सच में हमारे मन की बातों को जानता है। आमेन, हालेलुया। यस, खुदा बताया था, मैं तेरे नाम से शुद्धता हूं, इसको सारी अंधकार की बीमारी, इशू जो तूने मेरे मुंह से बोला, तू निश्चय खुदावंद इस बहन को अच्छा कर चुका है, ये आजाद है प्रभु तेरे नाम से। आमेन, आमेन। तारीफ करो, तारीफ करो। आमेन। और जब इन्होंने बताया था कि इनके लिवर में इन्फेक्शन के कारण पास आइए, इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट कराई थी, पहले हम उस रिपोर्ट को देखेंगे। ये जी इनकी फर्स्ट रिपोर्ट है, क्योंकि पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन के साथ इनकी पस को निकाला था, पर जिस दिन जो 3 मार्च के दिन जो सिस्टर संगति में आई, उन्होंने इनके लिए विश्वास किया, और इन्होंने बताया कि उस दिन डॉक्टर इनके इनके पेट में ड्रेन पाइप इन्होंने डॉक्टरों ने डाली थी, जो कि पस उन्होंने बताया कि ड्रेन पाइप के कारण भी नहीं थी निकल रही, क्योंकि जो पस थी वो बहुत ज्यादा ठोस थी, बहुत ज्यादा जम गई थी,
जिसके कारण ड्रेन पैप के कारण भी नहीं थे निकल रही, पर जैसे ही प्रभु के दास ने इनके लिए पिक के ऊपर ले हैंड की, उससे समय प्रभु की ग्रेस ने हॉस्पिटल में इनको टच किया और उस दिन ही जो ड्रेन पैप नहीं थी डाली जा रही, उस दिन ही डॉक्टरों ने डाली और जो बहुत ज्यादा रेशा था उसको भी पाइप के दौरान बाहर निकाला गया। और जैसे उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट कराई, अभी हम उस रिपोर्ट को भी देखेंगे। तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन या पल्सरेशन नहीं है। परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया और ये बहुत ही खुशी के साथ आज गवाही देने के लिए आए कि जो प्रोफेसी वर्ड आया था जो इनके लिए था, और निश्चय परमेश्वर ने आज प्रॉब्लम से इनको आजाद किया। हम सब तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं को जिंदा खुदा हमारे बीच है और आज भी काम करता है? कितने लोग विश्वास करते हैं? है कि नहीं है? है कि नहीं? आप भी आओ, आप भी आगे आओ। क्या लगते हैं आपकी? नहीं, वहां यहीं वहीं पकड़े हो। क्या लगते हैं आपकी? पापाई पतीजी है। पतीजी है। देखो परमेश्वर कितना महान है। आप इनकी आप क्या लगते हो? चाची। चाची लगते हो, है ना? देखो ये पिछले थर्सडे की बात है ना, पिछले वीरवार की। हाँ जी पापा। जब मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था ना, तो उस समय ऐसे पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से बोला कि जिनके आपके रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, आज खुदा की ग्रेस छू रही है। बोले क्या है? आज छू रही है और वो चंगे हो रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं, रिसीव करो। और ये मैंने बाद में ऐसे कहा, तब तो ये आगे नहीं आए। मैंने बाद में जब पूछा ना, अभी आपने क्लिप देखा तो मैंने कहा अगर आप में से कोई है तो आगे आ जाओ। ये फोटो लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? फोटो लेकर आ गए। अब आपने देखा, मैंने पूछा आपने इस विषय में बात की, टीम से की, मुझसे बात की, कहीं से भी कि ये बीमार है ऐसे है। देखो परमेश्वर सच में हमारे मन की बातें, जब हम विश्वास से कोई भी चीज करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा छूता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, बोलो क्या थी? डॉक्टर बोल रहे थे कि जो पस से है वो इतनी ज्यादा ऐसे होगी है, वो जम चुकी है, वो ड्रेन पाइप से भी, पहले कैसे सिरिंज से इंजेक्शन के साथ भी निकाली तब भी निकली, फिर ड्रेन पैप डाली अंदर तब भी वो जम, ड्रेन पैप जब डाली वो नहीं निकली अंदर, अच्छा जा ही नहीं रही थी। जिस दिन ले हैंड हुई उससे समय, उस दिन ही परमेश्वर ने इनके जीवन से इस प्रॉब्लम से इनको अच्छा किया। पहले सिरिंज से निकाल रहे थे, निकल नहीं रही थी, फिर ड्रेन पैप डालना चाहते हैं मगर डॉक्टर डल नहीं रही थी, समझे हो? देखो जैसे उस दिन ले हैंड हुई इनकी पिक, इनकी फोटो के ऊपर क्या हुई? देखो खुदा की आत्मा ने, उस ग्रेस ने कैसे नहीं हॉस्पिटल में छुआ और तुरंत वो काम जो हो नहीं रहा था, तुरंत उसकी ग्रेस ने, उसकी आत्मा ने छुआ, ड्रेन पैप डली, सारा रेशा, सारी इन्फेक्शन बाद आज ये आपके सामने खड़े और भले चंगे हैं। अब रिपोर्ट दोनों आपने देखी, पहले वाली और अब की भी नॉर्मल है। तारीफ करो ऊंचा, तारीफ करो, तारीफ करो। मेरे यीशु जी दे धोर दी क्या बात है, सब तारीफ करो जोर से। मेरे यीशु जी दे धोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे धोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे धोर दी। हाथों को उठाकर पूछा था सब Amen. Hallelujah. क्या नाम क्या है बच्चे तेरा? हाँ सामने देखो कैमरे का। सपना है, सपना है जी। अब यीशु को छोड़ना ना, नहीं। वो किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं, किसी मजहब का नहीं जी पापा, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए तेरे जीवन में, परमेश्वर ने तो नहीं, परमेश्वर तो नहीं किसी को भी दुख देता,
जैसे संसार में ज्ञान है ना, दुख सुख उसकी ओर से, परमेश्वर कभी नहीं दुख देता, पर इस हालात ने तुझे यहाँ सच्चा परमेश्वर मिला दिया है। इस बात के लिए तारीफ करो, सच्चा परमेश्वर मिला दिया है। आमीन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे और भी। ओके ओके, अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।